इतिहास पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपको पढ़ाया, उनकी शिक्षा और कर्तव्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, इस्लाम के बारे में पढ़ाया है, उसका उदय और विस्तार के बारे में पढ़ाया है मैंने आपको, और जो इस्लाम के जो मुख्य पांच कर्तव्य होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ खलीफाओं के शासन और राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। खलीफा अली की मृत्यु के बाद सीरिया का गवर्नर मुआविया खलीफा की गद्दी पर आसीन हुआ। खलीफा बनते ही उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। उसने मदीना के स्थान पर दमिश्क को इस्लामी साम्राज्य की राजधानी बनाया। वह लगभग 20 वर्षों तक खलीफा पद पर आसीन रहा। इन 20 वर्षों के सेवा काल में उसने उमय्याद वंश की शक्ति को शीर्ष में पहुंचाने का प्रयत्न किया। उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर खलीफा के पद को उमय्याद वंश के लिए सुरक्षित करने का कार्य किया। इस प्रकार से मुआविया ने खिलाफत को गणतंत्र में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के काल में सभी खलीफा उमय्यद वंश के ही हुए। इस प्रकार उमय्यद वंश ने लगभग 90 वर्षों तक इस्लामी सत्ता पर शासन किया। इसलिए इस कला विधि को उमय्यद खिलाफत के काल के नाम से भी जाना जाता है। सुदृढ़ बना लिया। इसके साथ ही प्रथम उमय्यद खलीफा मुआविया ने अपने शासन के दौरान बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को भी अपने शासन में अपना लिया। मुआविया इस्लामी साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ता के साथ स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। वह यह तय भलीभांति जानता था कि उत्तराधिकारी संबंधी नियम के अभाव में होने वाले टकरावों से इस्लामी राज को नुकसान हो सकता है। अतः उसने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा प्रारंभ की। इस हेतु उसने प्रमुख मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया। उसने अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद आने वाले सभी खलीफाओं ने भी इन नवीन परिवर्तनों को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उमय्यद वंश ने 90 वर्षों तक सत्ता में रहकर शासन किया। उमय्यद राज शीघ्र ही एक साम्राज्यिक शक्ति के रूप में उभर कर
सामने आया साम्राज्यिक शक्ति बन जाने के बाद उमैयद राज अब सीधे तौर पर इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि उमैयद सम्राट शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी पर आधारित था, जिसकी इस्लाम वैधता प्रदान करता था। उमैयद शासन के अंतर्गत प्रशासन में ईसाई और जरतुष्ट लोगों को भी सलाहकार, अधिकारी और लिपिक के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसके माध्यम से सम्राट को संगठित रखने का प्रयास किया जाता था। इसके साथ साथ उमैयदों ने प्रत्येक दशा में अपनी अरबी सामाजिक पहचान को भी बनाए रखने का प्रयत्न किया। उमैयद खलीफा सदैव साम्राज्य की एकता के लिए प्रयत्नशील रहे तथा साम्राज्य में होने वाले विद्रोह को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। बड़ी संख्या में निर्माण कार्य कराया। राजधानी दशक में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कर राजधानी को सजाया सवारा। अब अलू मलिक ने जेरूसलम क्या है, यहूदियों और ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, में डोम ऑफ रॉक का निर्माण कराया। यह इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना है। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की रात्रि मतलब यात्रा मिराज से जुड़ जाने के कारण इस स्मारक का रहस्यात्मक दृष्टि से काफी महत्व है। अब अल मलिक ने इस महत्वपूर्ण इमारत को बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अल मलिक के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने भी अरब और इस्लाम की पहचान को बनाए रखने पर बल दिया। इस प्रकार उमैयद खलीफाओं ने लगभग 90 वर्ष के शासनकाल में साम्राज्य सफलतापूर्वक राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता की और इसके अतिरिक्त अरब और इस्लाम की पहचान को बनाए रखा। खलीफा अब अल मलिक ने अपने शासनकाल 685 ईस्वी से 705 ईस्वी तक में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने अपने शासनकाल में खिलाफत को पूर्ण रूप से राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया। उसने केंद्रीकृत सत्ता को स्थापित किया। उसके शासनकाल में संपूर्ण राजनीतिक और सैन्य सत्ता के नेतृत्व में एक छोटे से अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई। अभिजात वर्ग क्या होता है? जो संपन्न वर्ग होता है, शक्तिशाली होता है, धनवान होता है और जिसके पास सब प्रकार की सुख सुविधा होती है, उसे अभिजात वर्ग के रूप में जाना जाता है। अब अली मलिक ने अपने शासनकाल में साम्राज्य के शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए योग नौकरशाही को संगठित किया। अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया। अभी तक जो सेना कबायली सेना का संघ थी, उस सेना को पुनर्गठित करके
एक पेशेवर व नियमित सेना के रूप में संगठित किया। उसने अरब और इस्लाम की पहचान को बनाए रखने के लिए इस्लामी सिक्कों को जारी किया। अभी तक खिलाफत में जो सोने के दीदार और चांदी के दिरहम प्रचलित थे, वे रोमन और ईरानी सिक्कों के प्रतिरूप थे। इन सिक्कों पर सलीब तथा अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे। इन पर यूनानी पहलवी ईरान की भाषा है, ईरान की भाषा के लेख अंकित होते थे। अब अल मलिक ने सभी चिन्हों को हटाकर सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख अंकित कराए। मैंने आपको पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम की शिक्षा, इस्लाम के जो मुख्य कर्तव्य होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया, और इस्लाम में जो खलीफा होते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इसे क्वेश्चन आंसर देखिए, और कोई दिक्कत है तो मैं राकेश पांडे, जो आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मेरे से संपर्क करके बातचीत करके और जो जानकारी लेना है वह आप ले सकते हैं।